कैसे हैं आप? क्या आप जानते हैं आपके मोबाइल में कितनी सारी एप्लीकेशन ऐसी हैं जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है? आपको कैसे पता चले कि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है? या आप जानते हैं कि ऐप को रिमूव कैसे किया जाता है? या आप जानते हैं कि मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन है, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन रखी हैं लेकिन आप उन्हें मल्टी डिलीट करना चाह रहे हैं, एक साथ कैसे सिलेक्शन करेंगे? या एक साथ आपको अनइंस्टॉल करनी है तो कैसे अनइंस्टॉल करेंगे? आइएगा, ऐसे ही कुछ फंक्शंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मेरे साथ बने रहेगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़, आपको मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास हैं उसको रिमूव करने के लिए कैसे आप रिमूव करेंगे। कोई भी एप्लीकेशन आप रिमूव करना चाहते हैं होम स्क्रीन से, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे गाना एक एप्लीकेशन है, इसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने इसको लॉन्ग प्रेस किया, यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया ऐप इन्फो, दूसरा है रिमूव। जैसे मैंने इसको रिमूव किया, ये मेरे होम पेज से तो रिमूव हो गई है, लेकिन मेरे पास एक ऑप्शन है ड्रॉअर मोड। ड्रॉअर मोड जो से मैं पहले बता चुका हूँ, इसके अंदर ये एप्लीकेशन यहाँ पर सेंटर में देखिएगा, गाना एप्लीकेशन ज़रूर है। यानी कि मैं अपने होम पेज से जो मेरी स्टैंडर्ड पेज है उसे मैं चाहूँ तो सारी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन सारी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में मौजूद होंगी जो मेरे ड्रॉअर मोड में दिखेंगी। लेकिन यदि आप मल्टीपल रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे आप सिलेक्ट करें, या फिर मल्टीपल अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसे कैसे आप सिलेक्ट करें? आप मोबाइल के ड्रॉअर मोड ऑप्शन में जाइएगा और यहाँ जाने के बाद यदि आप कोई भी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं या फिर अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे आप उसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन आपके पास होंगी उसके अंदर आपको पास ये ऑप्शन आ गया है कि आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक दूसरी एप्लीकेशन है प्ले टीवी, इसको सेलेक्ट किया, ये दोनों ही थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है तो इसीलिए अनइंस्टॉल आ रहा है। लेकिन यदि मैं जैसे ही कोई और एप्लीकेशन जो इंटरनली एप्लीकेशन है अगर उन्हें सेलेक्ट करता हूँ तो वो भी यहाँ से सेलेक्ट हो सकती हैं। उसी के साथ में यदि आप मल्टीपल सेलेक्ट करके मल्टीपल अनइंस्टॉल करना चाह रहे हैं या फिर मल्टीपल आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप रिमूव करने के लिए सिंपली मोबाइल के स्क्रीन पे पंच कीजिएगा और स्क्रीन पर आप जो भी टैब आप चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की साइड यहाँ पर एक ऑप्शन देखिएगा, लेफ्ट कॉर्नर में ऑप्शन आ रहा है रिमूव। आप चाहते हैं तो सारी एप्लीकेशन को एक साथ सेलेक्ट करके उन्हें रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने तीन ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आया, फटाक से ये सारी चीज़ें रिमूव हो गई। ये ऑप्शन होता है रिमूव का। और मल्टीपल सिलेक्शन प्लस मल्टीपल अनइंस्टॉल के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी भी एक एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस कीजिएगा और सेलेक्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप मल्टीपल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर मैं एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेता हूँ, ओपेरा मैंने सेलेक्ट किया। और जैसे ही मैंने अनइंस्टॉल किया तो मुझे ये ऑप्शन मांगेगा कि अनइंस्टॉल करने के लिए आप एग्री हैं। जैसे ही मैंने अनइंस्टॉल किया तो यहाँ से मेरी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देगा। इसी तरीके से आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसीलिए मैक्सिमम एप्लीकेशन आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका अनइंस्टॉल एंड रिमूव फंक्शन। थैंक यू सो मच। इसी तरह की बहुत सारी सेटिंग्स मेरे चैनल पर दी गई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे।